घर तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन पहुंचते पहुंचते हम लोगों को अंधेरा ही हो गया है। मैं इन दोनों को हवा में उड़ाऊंगा। गाइस यहां पे ना थोड़ा सीरियस सा माहौल हो गया है, यहां पे ऊपर आग लग गई हुई है। एक मिनट, वहां देखो बुझाने लगे हुए लोग उसके बीच में घुस घुस के। गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज आदिक, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक गांव वाला व्लॉग लेके आ चुका हूँ। खैर ये जो हमारे पीछे गांव है ये तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, लेकिन इस बार हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करने आए हैं। तो अभी बस शाम का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं बाजार की तरफ। इस जगह का नाम है बलसन और हम लोगों को वहां जाना है, उस पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे। उस जगह का नाम है देहा। पटाखों के स्टॉल के साथ साथ वहां पे मिठाई वाली दुकानें भी है, तो हम लोग सारा लेंगे और सारा सामान दिखाएंगे आपको जो भी लेंगे। लेकिन वहां पहुंचने से पहले हम लोगों को यहाँ पे खड्ड पार करनी होगी, नीचे बहुत ही मस्त व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग एक गिफ्ट खोलते हैं जो भाभी ने हम लोगों को दिवाली के लिए दिया हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा गिफ्ट था। तो इसके अंदर निकली थी एक फोटो फ्रेम जो की थी 7 horses की, जो की रिप्रेजेंट करती है सक्सेस और स्ट्रेंथ को। और ये थी 5D पिक्चर, एक बार इसका इफेक्ट देखो आप, बहुत ही सुंदर गिफ्ट था। तो फटाफट चलते अब मार्केट की तरफ। ये है देहा का मेन मार्केट जहां पे बहुत सारी शॉप्स है, लेकिन इस टाइम पे हमारा फोकस है पटाखे। हम लोग जस्ट यहां पे पटाखे ही ले रहे थे, लेकिन उसी टाइम यहां पे भैया का फोन आया कि ऑलरेडी सारे पटाखे ले चुके हैं, तो हमने छोटे मोटे ले लिए। बाकी चलते हैं घर की तरफ, वहां पे असली मजा, तो वहां दिखाऊंगा मैं आपको। शिमला में इस बारिश के बाद अचानक से इतनी खतरनाक ठंड हो गई, शिमला गया पर हिमाचल में भी। बाकी मिलते हैं घर पे। लोगों ने बॉनफायर भी जलाया था जो इस टाइम को तो बुझ चुका है, लेकिन दोबारा जलाएंगे हम और अभी पटाखे वगैरह भी फाड़ेंगे ही। यहाँ पे डीजे वगैरह लगाया हुआ है और यहीं पे बाहर सारे बैठे हुए हैं। यहाँ पे तैयार हो रहा है बड़ा पटाखा। फियरलेस बच्चे। इस वाले से तो सही में कान ही फट गए भाई। और ये वाली चीज तो हम लोगों को बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक ये चिंगारियां हमारे कपड़ों पे नहीं आई। उधर से अगर अनार से बचने की कोशिश करते तो इधर से बॉम्ब फट रहा है, और अगर इधर बॉम्ब से बचे तो उधर से अनार फट रहा है। और पहाड़ी कल्चर में तो फंक्शन ही इनकम्प्लीट होता है नाटी के बिना। दिवाली में सारे बाहर है तो ये मौके पे चौका मारते हुए। भाई इतने गटसी बच्चे, बंदे आलू बम फाड़ रहे हाथ से, वो भी इसमें डाल के। दिखाता हूँ आपको। कुछ भी बोले, जब तक आप लोगों के पास दिवाली में इतने सारे लोग ना हो ना सेलिब्रेट करने के लिए, तो उसका मजा ही नहीं आता है। ये दो दो का क्या करेगा एक साथ। मैं इन दोनों को हवा में उड़ाऊंगा। ओ भाई ये तो, भाई इसने तो मुर्गा छाप ही फेंक दिया इसे। हम लोगों की दिवाली बहुत ही ज्यादा अच्छी जा रही थी, लेकिन उसी टाइम हम लोगों को दिखती है ऊपर पहाड़ पे रोशनी, ये ऑरेंज कलर की जो आप लोग देख रहे हो। गाइस यहाँ पे ना थोड़ा सीरियस सा माहौल हो गया है, यहाँ पे ऊपर आग लग गई हुई है। जैसे ही हम लोगों की नजर ऊपर पड़ती है तो वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा एरिया में आग फैल चुकी होती है।
और उसको काबू कर पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चली हुई थी वहाँ पे। लेकिन इससे पहले दिवाली पे हम लोगों का दिवाला निकलता, सारे गांव वाले एक साथ होकर ऊपर गए आग बुझाने। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि आग और पानी के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था ये आग कहाँ से लगी है, लेकिन हमारा मेन फोकस था इसको बुझाने पे। हर फैमिली से सभी लोग ऊपर आग बुझाने गए, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कई लोगों के कपड़े जले तो कई लोग अनकॉन्शियस फील कर रहे थे इस धुएं की वजह से, लेकिन काफ़ी टाइम और मेहनत के बाद ये आग कंट्रोल हो चुकी थी। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। हैप्पी दिवाली, स्टे सेफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।